दोस्तों ZCU-30-6309 लीड कर रहा है 113 आप गौरी एक्सप्रेस को। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 नज़र आ रहा है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का। बहुत स्पीड है। कौन सा इंजन है आज? ZCU-30। उम्मीद है कि अब्दुल हकीम तक रोशनी रहेगी, खाने वाल पहुंच के अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों 8 डाउन तेजगांवी स्टेशन है खाने वाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। काश कुछ देर पहले आ जाते तो एक बेहतरीन पैरेलल एक्शन देखने को मिलता। तो ये हमारा अंधेरे में खड़ा ZCU-30-6319 खाने वाल का क्रू चार्ज ले चुका है। दोस्तों चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए डिपार्चर देख रहे हैं खाने वाल जंक्शन का। दोस्तों जहानिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी 2 मिनट स्टॉप करेगी ट्रेन यहां से, उसके बाद डिपार्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 12 मार्च 2023 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे। आपको मेरे पीछे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है और आज हमारा जो ट्रैवल होगा वो इंशाल्लाह 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस में होगा फैसलाबाद से लेकर जहानिया रेलवे स्टेशन तक। आपने मेरा पिछला जर्नी देखा होगा जहानिया से फैसलाबाद 17 अब का, जिसमें मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने इतनी दिल से व्लॉगिंग नहीं की। तो इंशाल्लाह डिटेल में आज हम ये ट्रैवल इंजॉय करेंगे 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। सामने 6309 के साथ 113 गौरी एक्सप्रेस खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका डिपार्चर भी देखें। गाड़ी हमारी चक झुमरा जंक्शन पहुंच गई है तो कुछ ही देर में वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचेगी और इंशाल्लाह फैमिली के साथ हम ये सफ़र का आगाज़ करेंगे जहानिया रेलवे स्टेशन तक। तो चलते हैं सबसे पहले और आपको कुछ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के हालात दिखा देता हूँ। दोस्तों रश चेक कर रहे हैं आप लोग 113 गौरी एक्सप्रेस के लिए। ये डेली बेसिस पे रेल कार ट्रेन है और प्राइवेट कंपनी प्राग्स के अंडर है और काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है आपको इसमें। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको कौन सी पावर लीड कर रही है। ZCU-30-6309 लीड कर रहा है 113 अब गौरी एक्सप्रेस को। सुबह 17 अब के साथ पावर आई है या 6309 और अब लाहौर जा रही है 113 के साथ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारी 18 डाउन को कौन सी पावर लेके जाती है। चार्ज ले रही है ड्राइवर साहब ने, लाहौर के ड्राइवर साहब हैं। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 नज़र आ रहा है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का। काफ़ी ग्रीन प्लेटफॉर्म है और अभी तक हमारी ट्रेन 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस नहीं पहुंची, सो देखते हैं वो कब पहुंचती है।
दोस्तों सामने ZU30-63-09 के साथ 113 अबगौरी एक्सप्रेस रेडी है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए जाने के लिए। नया इंजन लगा है 6309। तो देखते हैं कि आज हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस को कौन सा लोकोमोटिव लीड करता है। दोस्तों आज जिनकी शादी पे मैं आया था, जिनके भाई की मेरी खाला के बेटे मेरे कज़न हैं, तो आज वो स्टेशन पे हमें छोड़ने के लिए भी आए हैं। मिलवाता हूँ उनसे। बुरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुरहान भाई? ठीक है ठीक ठाक, आप सुनाओ? फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी बुरहान भाई, आपको इनका तारुफ मैंने करवाया। बुरहान भाई सुनाए, सही गुजर की शादी माशाल्लाह? तो काफ़ी मज़ा आया यार, काफ़ी साल बाद ही आना होता है फैसलाबाद। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा शहर है यार आपका फैसलाबाद, माशाल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट बहुत हुई है फैसलाबाद में। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बुरहान भाई हमारे, तो साथ में एक शॉट ले लेते हैं इनके। तो दोस्तों रेक हमारा मौजूद है, सामने नज़र आ रहा है आपको 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का, और पावर भी लग चुकी है हमारी ZU30। लेकिन नंबर अब देखते हैं कौन सा है जाके। तो कुछ ही देर में जब हमारी ट्रेन अराइव करेगी यहाँ पे, तो उसका इंजन चेंज होगा और बकिया डब्बे आके 18 डाउन के साथ अटैच हो जाएंगे। नहीं दोस्तों 6319 अटैच हो गया ZU30, हमें भी नया इंजन मिल गया आज, तो नए इंजन के साथ ट्रैवल करेंगे आज 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों आपको बुरहान भाई से मिलवाया आपने, और उन्हीं के छोटे भाई रबी भाई से मिलवाता हूँ आपको। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रबी भाई? ठीक है शुक्र लगा। ये रबी भाई हैं, इन्हीं के भाई की शादी पे आज हम आए थे और काफ़ी साल बाद चक्कर लगा था। शुक्रिया भाई फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, बड़ा मज़ा आया। और आज इनकी मेहरबानी हमें स्टेशन भी ड्रॉप करने आए हैं। तो पढ़ रहे हैं ये भी? क्या पढ़ रहे हैं आप बता देंगे ज़रा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह BS कर रहा हूँ जूलॉजी में। जूलॉजी में मेरे 7 सेमेस्टर हो गए हैं, फाइनल है, जा रहा है। सही हो गया। और फैसलाबाद यार काफ़ी डिवेल्प हो गया आपका, मैंने देखा है ना काफ़ी साल बाद आगे माशाल्लाह ना, इधर काफ़ी लोगों में क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं तो जहालियत कम ही है, तो ये सब लोगों की वजह से ना क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस तरह कमिश्नर वगैरह DC वगैरह ने सब कुछ वगैरह देख के सारा हमारा फैसलाबाद डेवलप करवाया है। और इसके अलावा यहाँ पुरसकून माहौल है, ट्रैफिक से पाक है, छोटा सा शहर है लेकिन यहाँ पर सब्जादार भी बहुत ज़्यादा है। और अलबत्ता कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनें वगैरह बहुत अच्छी हैं, प्लेटफार्म अगर आपको भाई दिखाएं तो माशाल्लाह। हाँ जी यार्ड अच्छा है फैसलाबाद का, तो इस लिहाज से हमारा फैसलाबाद बहुत अच्छा है। देखो हाँ जी सुकून माहौल है इधर, ना कोई वाम का कोई किसी से लेना देना ना झगड़ा वगैरह, सारे मामला ना अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो। चले ठीक है रवि भाई, शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों शंट होने के लिए जा रहे हैं अब हमारी बकिया ट्रेन के साथ लगने के लिए 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के डब्बे और इंजन। तो सामने लाइट्स विजिबल हैं, शायद हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस लाला मूसा से चल के अब फैसलाबाद पहुंच चुकी है। दोस्तों लाला मूसा से चल के हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है राइट टाइम, और ZU लीड कर रहा है इसको भी, मोस्ट प्रोबेबली ZU20। दोस्तों ZU20-6424 के साथ 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, काफ़ी पीछे ही रोका है ड्राइवर साहब ने क्योंकि बहुत छोटी ट्रेन बन के आती है लाला मूसा से। दोस्तों अभी ZU20-6424 अलग हो चुका है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस से, और अब ये शेड जाएगा आराम करने के लिए।
दोस्तों रेक आ गया है बकिया ट्रेन के साथ अटैच होने के लिए, 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का। ठीक है यार, अभी भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके ब्रान भाई, जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दोस्तों 3:50 पे 5 मिनट लेट डिपार्चर शुरू हो गया 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। इसी की तरह हमने खुदा हाफिज़ कह दिया फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को। बड़ी म्यूजिकल ट्रैक साउंड सुनने को मिल रही है, समनाबाद रेलवे स्टेशन शुरू किया।
तो गोजरा रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रहे हैं 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। फैसलाबाद से चलने के बाद पहला रेलवे स्टेशन आया। दोस्तों गोजरा रेलवे स्टेशन अप्रोच बना चुके हैं मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। फैसलाबाद से चलने के बाद पहला स्टॉप है ऑफिशियल, 2 मिनट का स्टॉप है गोजरा रेलवे स्टेशन पे भी। ये आप देख सकते हैं गोजरा अपकमिंग स्टेशन होगा इंशाल्लाह टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन। और आपने देखा कि मिल्लत एक्सप्रेस ने बिटवीन गोजरा एंड फैसलाबाद ज़बरदस्त हॉल किया ZU-30631NA 122 पे। तो देखते हैं कि आगे ये कितनी स्पीड अचीव करते हैं ड्राइवर साहब खाने वाले रेलवे स्टेशन तक। लेजी डिपार्चर विसल हो गई है ZU-30631NA की, 2 मिनट का स्टॉप है और अब रवाना होंगे इंशाल्लाह गोजरा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद 4:38 पे निकल रहे हैं गोजरा रेलवे स्टेशन से।
दोस्तों पूरे 5 बज रहे हैं और टोपा टेक सिंह रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रहे हैं राइट टाइम इटन टाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ और फैसलाबाद से चल के दूसरा रेलवे स्टेशन आ रहा है टोपा टेक सिंह। ज़िला है ये ज़िला टोपा टेक सिंह और काफ़ी ज़्यादा तहसीलें इसके अंडर आती हैं। दोस्तों टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन अप्रोच बना चुके हैं और यह आपको नज़र आ रहा है टोबा टेक सिंह का रेलवे स्टेशन। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त हॉल कर रहा है ZCU 36319 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ और फैसलाबाद से चलने के बाद ये दूसरा रेलवे स्टेशन आया है तो अपकमिंग स्टेशन होगा इंशाल्लाह शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे तो उसके बाद रवाना होंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं जैद कैसा लग रहा है। डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है। बहुत स्पीड है। कौन सा इंजन है आज। ZCU 36319 तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा रहे हैं हमें। डर लग रहा है आपको। अभी और डर लगेगा मज़ा आएगा। ये दोस्तों टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन का यार्ड नज़र आ रहा है आपको दूसरी साइड पे और इसी के साथ डिपार्चर बेल भी हो गई है। ये 2 मिनट का स्टॉप किया डिपार्ट कर रहे हैं TTSG यानी कि टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन से। अपकमिंग स्टेशन होगा शोरकोट छावनी जंक्शन रेलवे स्टेशन।
दोस्तों शोरकोट छावनी जंक्शन रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रहे हैं 5:25 पे। दोस्तों शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन अप्रोच बना चुके हैं। कुछ ही महीने पहले मैं यहाँ पे रेल फैनिंग करके गया था अपने दोस्त जवाद के साथ। काफ़ी पुरसकून रेलवे स्टेशन है शोरकोट छावनी का। दोस्तों अपकमिंग स्टेशन होगा अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन और उसके बाद हम ये ब्रांच लाइन छोड़ देंगे। तो सफ़र का तो आज बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे गुजरता जा रहा है। जहानिया रेलवे स्टेशन तक महदूद होगा हमारा ये सफ़र। दोस्तों अगला रेलवे स्टेशन होगा अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन और काफ़ी स्पीडी ट्रेन ट्रैवल है अब तक का आप देख रहे हैं 8 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। अंधेरा भी होने वाला है तो उम्मीद है कि अब्दुल हकीम तक रोशनी रहेगी, खानेवाल पहुँच के अंधेरा हो जाएगा। तो जानिया पे सफ़र ख़त्म होगा इंशाल्लाह हमारा, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। ले जी दोस्तों डिपार्चर विसल हो गया ZCU 306319 का। अभी सेकंड विसल होगा और डिपार्ट करेंगे हम शोरकोट छावनी जंक्शन से। पाँच मिनट का स्टॉप किया है शोरकोट कैंट जंक्शन पे, अब निकल रहे हैं हम शोरकोट से 5 के बाद। Yeah.
20 किलोमीटर का काशन लगा हुआ है तरखाना रेलवे स्टेशन पे। सिग्नल तो डबल राइट है तो तरखाना से थ्रू होंगे 20 किलोमीटर के काशन पे। जी दोस्तों शाम होने लग गई है और अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सफ़र जा रहा है, एक हवा में एक नमी सी एक ठंड सी महसूस हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रन ले रही है हमारी 8 & down। दोस्तों अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन डिटेल में आपको मैं कवर करा चुका हूँ और 2-3 चक्कर लग चुके हैं मेरे अब्दुल हकीम अपने दोस्त जवाद के पास, जैसा कि आप सबको पता होगा, और अच्छा लग रहा है काफ़ी दोबारा अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पे आके। तो अपकमिंग रेलवे स्टेशन होगा इंशाल्लाह खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप होगा, क्रू वगैरह चेंज होगा ट्रेन का, ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा। तो 2 मिनट का स्टॉप है अब्दुल हकीम पे और निकलते हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से। डिपार्चर विसल दे दिया ZCU 30 6319 ने,
अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से सिग्नल हो गया। सेकंड विसल होगी और हम इंशाल्लाह डिपार्ट करेंगे अब्दुल हकीम से। जी सेकंड विसल हो गई है और मूव होना शुरू हो गया गाड़ी। जी अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद। दोस्तों अब्दुल हकीम शहर छोड़ दिया है हमने और अपकमिंग स्टेशन इंशाल्लाह खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 2 घंटे का रनिंग टाइम लिया है फैसलाबाद से लेके अब्दुल हकीम तक का बेहतरीन ZCU-36319 ने। खानेवाल तक उम्मीद है कि अंधेरा हो जाएगा। तो मखदूमपुर पहोड़ा रेलवे स्टेशन के से पहले फाटक पे रेड फ्लैग स्टॉप हुआ है पता नहीं किस वजह से, और अब 1 मिनट के डेड स्टॉप के बाद रवाना हो रहे हैं। छः बज के 35 मिनट पे खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त लेके आए हैं ड्राइवर साहब फैसलाबाद से खानेवाल तक।
दोस्तों 8 डाउन तेजगांवी स्टेशन है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। काश कुछ देर पहले आ जाते तो एक बेहतरीन पैरेलल एक्शन देखने को मिलता। 8 डाउन तेजगांव और इसी के साथ आ रही है हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। दिखाते हैं आपको खानेवाल की रौनकें। दोस्तों 8 डाउन तेजगांव भी निकल रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पैरेलल एक्शन मिल ही गया फिर थोड़ा सा और ये हमारी गाड़ी रुक गई आगे खानेवाल। दोस्तों खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। 4 नंबर प्लेटफॉर्म मिला है इसलिए खानेवाल की रौनकें तो सारी होती हैं 1, 2, 3 नंबर पर। तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर तो थोड़ा सा लोकोमोटिव का दीदार कर लेते हैं आगे जाके, फिर टाइम बचता है तो आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ खानेवाल की। तो ये हमारा अंधेरे में खड़ा ZCU-30-6319 खानेवाल का क्रू चार्ज ले चुका है और अपना 25 मिनट का स्टॉप पूरा करने के बाद डिपार्ट करेगी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। और हम मुल्तान वाली लाइन छोड़ के बजरिया कॉर्ड लाइन जहानिया तक अपना ट्रैवल जारी करेंगे। काफ़ी पुरसकून माहौल है अभी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अभी से कुछ ही देर में 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस, 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, उसके बाद दीगर ट्रेन्स 40 डाउन 6 डाउन ग्रीन लाइन को काफ़ी ज़्यादा ये बिजी स्टेशन होगा। तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे इस वक्त खड़ी है हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। अपकमिंग स्टेशन इंशाल्लाह जहानिया रेलवे स्टेशन। खानेवाल का क्रू चार्ज ले चुका है और जो अगला स्टेशन होगा वही हमारी मंजिल होगी। नहीं दोस्तों एक अंडा लिया है हमने बॉयल, तो कुछ ना सही तो बॉयल अंडा ही खाते हैं। मौसम तो नहीं है अंडा खाने वाला, लेकिन थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन है मुझे, उसके लिए अंडा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, अंडा खाते हैं। दोस्तों 7:05 पर राइट टाइम खानेवाल जंक्शन से निकल रहे हैं। अपकमिंग स्टेशन इंशाल्लाह जहानिया रेलवे स्टेशन होगा। नहीं दोस्तों चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए डिपार्चर देख रहे हैं खानेवाल जंक्शन का। ट्रेन के सफ़र और चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, बेस्ट कम्बिनेशन।
दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन कॉर्ड लाइन पे डाइवर्ट हो चुकी है, अब एक लेफ्ट साइड पे कर्व लेगी और कॉर्ड लाइन पे अपने सफर का आगाज शुरू हो जाएगी। दोस्तों पूरे 7:30 बजे जहानिया रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रहे हैं, राइट टाइम 18 डाउन मिल रहा था एक्सप्रेस। अभी लूप लाइन लगेगी गाड़ी, साढ़े 3 घंटे का रनिंग टाइम था हमारा फैसलाबाद से जहानिया का। दोस्तों जहानिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी 2 मिनट स्टॉप करेगी ट्रेन यहां से, उसके बाद डिपार्ट करेगी। दोस्तों डिपार्चर विसल हो गया, अब सेकंड विसल होगा, डिपार्ट करेंगे जहानिया रेलवे स्टेशन से।